सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बिस्किट वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं स्टॉप प्रोसीजर के बारे में पोस्ट एसक्यूएल में। तो अगर मैं स्टॉप प्रोसीजर की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है डेफिनेशन इसकी। सो स्टॉप प्रोसीजर आर लाइक कस्टम फंक्शन और स्क्रिप्ट्स दैट यू कैन सेव एंड रीयूज इन योर पोस्ट एसक्यूएल डेटा बेस। दे अलाउ यू टू ग्रुप एसक्यूएल स्टेटमेंट टुगेदर एंड एग्जीक्यूट देम विद अ सिंगल कॉल। थिंक ऑफ देम एज हैंडी टूल्स यू कैन क्रिएट एंड कीप इन योर डेटाबेस टूल बॉक्स फॉर लेटर यूज। तो अगर मैं स्टॉप प्रोसीजर की बात करूँ तो ये एक ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो एसक्यूएल स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है और जो एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हो रेडीमेड स्क्रिप्ट होता है जो आप अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो और जब भी आपको चाहिए इसका यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी एग्जाम्पल की और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर अ लाइब्रेरी मैनेजर एंड नीड टू अपडेट एवरी मंथ लिस्ट ऑफ ओवर ड्यू बुक्स। इंस्टीड ऑफ राइटिंग द अपडेट क्वेरी एवरी टाइम, यू कैन क्रिएट अ स्टोर प्रोसीजर। सो बेसिकली सपोज करो आप लाइब्रेरी मैनेजर हो या कोई भी है, एंड आपको एवरी मंथ जो है जो बुक ओवर ड्यू हो गई है, मीन्स जो जैसे बुक होती है उनकी एक्सपायरी डेट होती है, तो वो जैसे ही ओवर ड्यू हो जाएगी उसको अपडेट करना होगा। अब हमने अपडेट करना होगा, बार बार हमने अपडेट क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा। बट हम एक बार अगर स्टॉप प्रोसीजर का यूज़ कर लेंगे, मीन्स एक बार स्टॉप प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस में, तो हमने बार बार अपडेट क्वेरी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बार बार उसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार हम कॉल करेंगे स्टॉप प्रोसीजर को और वो जितने भी ओवर ड्यू बुक्स होंगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। मीन्स अगर उनका जो भी आपको कंडीशन लगानी है, जैसे करेंट का लगाना है या किसी एक पर्टिकुलर डेट का लगाना है, तो उस हिसाब से वो अपडेट हो जाएंगी एक स्टॉप प्रोसीजर कॉल करने पे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ स्टॉप प्रोसीजर कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्टली आपको लिखना है क्रिएट और रिप्लेस, देन प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, यहाँ पे आपको लिखना है लैंग्वेज, लैंग्वेज आप जो भी यूज़ कर रहे हो, अगर एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे एसक्यूएल लिखोगे, आपने पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करना है तो यहाँ पे PL PG एसक्यूएल लिखोगे, माई एसक्यूएल लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे एस डबल डॉलर लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे बिगिन, बिगिन मीन्स कि हम जैसे एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं जहाँ से कोड, तो उसको बिगिन करेंगे। उसके बाद एंड यहाँ पे होगा, इसके अंदर जो भी आपकी स्क्रिप्ट होगी वो आएगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर अगेन, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना डॉलर बेसिकली होता क्या है। तो डॉलर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट या एसक्यूएल कोड डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होता है तो इसके बीच में जो हम राइट करते हैं वो एक ब्लॉक या टेक्स्ट के रूप में कंसिडर होता है, जिससे आपको एक स्पेशल कैरेक्टर या लाइन ब्रेक्स की नीड नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे हम स्टॉप प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपने काम को इजी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। तो बेसिकली मैं इस टेबल से डिटेल्स फैच करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बुक आईडी है, बुक टाइटल है, रिटर्न डेट है, स्टेटस है। तो यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, अवेलेबल आ रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, एक ऐसा स्टॉप प्रोसीजर क्रिएट करना चाहता हूँ उसमें क्या हो, जब रिटर्न डेट जो है वो करंट डेट से लेस हो तो स्टेटस क्या हो जाए, ओवर ड्यू हो जाए। तो ऐसा मैं स्टॉप प्रोसीजर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ न्यू लाइन पे, यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट और इसको न्यू लाइन पे करा है, इसको थोड़ा स्पेस कर देते हैं, रिप्लेस, यहाँ पे लिखना है प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर नेम देना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट ओवर ड्यू बुक्स, ओपन कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद न्यू लाइन पे आ जाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लूंगा लैंग्वेज, तो बेसिकली आप जोन सा लैंग्वेज यूज करो यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैं PL PG SQL लिख रहा हूँ बिकॉज मैं पोस्ट SQL पे काम कर रहा हूँ। आप SQL पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो SQL और या MySQL लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जिस पे आप काम कर रहे हो। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एस डॉलर साइन, मैंने आपको बताया था बेसिकली होता क्या है थ्योरी पार्ट में। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बिगिन,
बिगिन के बाद मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट, यहाँ पे मैं लिखा बुक्स। बुक्स बेसिकली क्या है, एक टेबल है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट। अब बेसिकली मैं क्या सेट करना चाहता हूँ, स्टेटस। स्टेटस क्या हो, ओवरड्यू हो जाए। तो ओवरड्यू कब होगा उसके लिए मैं कंडीशन लिखूंगा नीचे। यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा वेयर। कंडीशन क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिटर्न डेट इज लेस देन करेंट डेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा एंड। इसके बाद यहाँ पे आपको वही डॉलर साइन। अब क्या करूँगा, जस्ट इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा और हमारा एक स्टॉप प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा, किस नेम से, अपडेट ओवरड्यू बुक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ न्यू लाइन पे, और यहाँ पे लिखूंगा कॉल और इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं कॉल करता हूँ स्टॉप प्रोसीजर को। अब देखते हैं इसमें क्या टेबल में इफेक्ट आएगा। अब इसको मैं दोबारा से आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी देखो सारे अवेलेबल करके आ रहे थे स्टेटस, अभी यहाँ पे देखो ओवरड्यू आ रहा है। ओवरड्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से फर्स्ट से, यहाँ से देख सकते हो, हैरी पॉटर था, टू किल है, द ग्रेट, जो भी यहाँ पे बुक टाइटल है उनका स्टेटस चेंज हो गया। और स्टेटस चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है कि रिटर्न डेट इज लेस देन करेंट डेट। अगर क्या होगा, जो आज का डेट है उससे कोई भी रिटर्न डेट कम होगा, मीन्स आज की डेट क्या है, आज अप्रैल 9 है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो रिटर्न डेट था अप्रैल 9 से कौन कौन से कम थे, ये वाले कम थे 25, क्योंकि ये मार्च का है और यहाँ पे 1 अप्रैल का डेट है, यहाँ पे 20 मार्च का डेट है। और यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये करेंट डेट से ग्रेटर देन है। यहाँ पे देख सकते हो 10 अप्रैल है और यहाँ पे 15 है। अब जब इस स्टोर प्रोसीजर को मैं परसों कॉल करूँगा, तब ये वाला भी स्टेटस चेंज होके ओवरड्यू हो जाएगा। और ये कब होगा, ये 15 अप्रैल को होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक हैंडी हो जाएगा जो स्क्रिप्ट होता है, जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कॉल कर सकते हो। इस तरीके से आपका काम इजी हो जाएगा और सारी चीज़ें जो भी आपको, आपके पास समझ लो, मान लो आपके पास करोड़ों का डेटा है और आप इस पे वर्क करना चाहते हो, आप जस्ट चाहते हो कि बार बार मुझे अपडेट क्वेरी ना बनानी पड़े, तो आप एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करके सारा काम इजीली कर सकते हो और हैंड टू हैंड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कैसे स्टोर प्रोसीजर को हम डिलीट करते हैं। तो इसका डिलीट करने का तरीका अलग होता है, इसका टेबल की तरह नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉप और यहाँ पे लिखूंगा प्रोसीजर। उसके बाद मैं लिखूंगा इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, ये अपडेट वाला, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ड्रॉप सक्सेसफुली हो गया। अब अगर आप इसको कुछ करोगे तो हो सकता है यहाँ पे एरर आपको शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स अभी तक हम जब अपडेट कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा था, बट अभी नहीं आ रहा है बिकॉज हमने ड्रॉप कर दिया। तो चाहे आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने क्रिएट कर दिया। अभी जब मैं चेक करूँगा यहाँ पे देखो, अभी दोबारा से इसको रन करता हूँ तो कोई भी एरर नहीं आएगा। ये देखो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अभी मैं इसको दोबारा से यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो डेटा सेम रहेगा, बिकॉज ये डेट जो है करंट डेट से ग्रेटर देन है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए एंड करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हैव अ गुड डे, इन्जॉय।